पिछले 3 सालों में बॉलीवुड में एक से बड़े एक स्टार की फिल्में फ्लॉप रही, सलमान से लेकर रणबीर, अक्षय या अजय देवगन या अमिताभ बच्चन ही। बॉलीवुड की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर लगातार खराब प्रदर्शन ये तो साफ करता है कि अब सितारों का जादू पहले जैसा नहीं रह गया। कोई सितारा बॉलीवुड में अब ऐसा नहीं जिसके नाम पर फिल्में चल जाएं। बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप होने का सबसे बड़ी वजह सामने आई, फिल्म में केवल लीड एक्टर पर ध्यान दिया जाता है, अन्य किरदारों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बॉलीवुड में अब लोगों को कुछ नई बात नहीं लगती, ज्यादातर वही घिसी पिटी कहानियाँ जिनमें एक विलेन है, लव स्टोरी ज्यादातर मेन सब्जेक्ट यही रहता है, यानी अच्छे लेखकों की कभी यहाँ जबरदस्त है। उन्हीं सितारों के आसपास इन कहानियों से शायद दर्शक ऊब चुके हैं, उन्हें बड़े चेहरे नहीं कुछ यूनिक चाहिए। एक पहलू ये भी देखा गया कि बॉलीवुड को लेकर इन जनरल एक नकारात्मकता का भाव पैदा हुआ जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। काफी हद तक दर्शकों ने बॉलीवुड अभिनेताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, बड़े सितारों का मुंह खत्म सा होता दिखाई देने लगा। तो ये भी कह सकते हैं कि एक पूर्वाग्रह और डिजेक्शन का भाव भी बॉलीवुड को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। पहले बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो 200 करोड़ का आंकड़ा तो आसानी से पार हो जाता था, लेकिन अब लागत वसूलना भी बड़ी चुनौती दिखती है। लोग ये भी कहेंगे कि महामारी के दौर में ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर महामारी वजह होती तो साउथ की फिल्में लगातार हिट कैसे होती। साउथ सिनेमा सीधे सीधे ये देखता है कि उसके दर्शकों को क्या चाहिए, वो खालिस एंटरटेनमेंट के फंडे से कहीं से हटका नहीं दिखता। ये भी कहना गलत नहीं कि साउथ में फैंस अपने पसंदीदा सितारों को लेकर पागलपन की हद तक लॉयल हैं। इसके पीछे उनके प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल व्यक्तित्व से जुड़ी बातें भी हैं, और वैरायटी को भुनाना भी साउथ के फिल्म मेकर्स अच्छे से जानते हैं। वह सिर्फ बड़े प्रोडक्शन हाउस खेमे या उनका वर्चस्व जैसी बात नहीं दिखती। शायद यही बॉलीवुड के लिए आत्मबंधन और बदलाव का वक्त भी है, और संकेत भी ये भी समझने का कि वक्त के हिसाब से बदलना ही होगा, और कोई ऐसा चेहरा या कलाकार नहीं जिसे दर्शक नकार नहीं सकते। मेगा बजट और बड़े चेहरों से ज्यादा अच्छी कहानी, रेलिवेंट सब्जेक्ट और मनोरंजन पर काम करना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त, खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।